हे दुर्गा माँ, हमारा कवच हम तक पहुंचाकर हम पर उपकार करने वाले की झोली सदैव खुशी से भरी रहे। महाराज, ये छत्र बाजीराव पेशवा के सेवक मोरोपंत तांबे की कन्या मणिकर्णिका की है। देखते कि मेरा एक चित्र यहाँ क्यों आया। चलो देखो प्राची, तुम छोटी हो वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ऐसा करो, तुम चुपके से अंदर जाओ और देखो वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। चाहती हूँ तुम यहीं छुपे रहना, ठीक है? जल्दी। महाराज विश्वास कीजिए, मणिकर्णिका एक अत्यंत दुष्प्राप्य कन्या है। देवर ही देवा, हमारी मन्नू तीत को दुष्पाप कन्या बोल रहा है। अरे धीरे से। मन्नू दीदी, ये लोग आपको झांसी में ले जाके पानी में डुबाने की बात कर रहे थे। पानी में? हाँ, वो तुम्हें दुष्पाप कन्या भी बोल रहे थे। क्या मुझे दुष्पाप कन्या समझते हैं? हाँ मन्नू दीदी, उनको सब मालूम है। ये लोग कानपुर से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। ये जरूर हमें झांसी ले जाकर दासी बनाने की योजना लेकर आए हैं। चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। कहाँ थे तुम दोनों? अजी साहब, हमें सिद्धि कवच ढूंढ रहे थे। मिला? हाँ मिल गया अजी साहब। धन्य देवा, लाओ तो मुझे। आजी साहब, हमने उन्हें वापस कर दिया। कब और कैसे? आजी साहब, हम छुपके से गए थे, फिर झांसी ने इसके कक्ष में फेंक दिया। अगर वो कवच फिर गुम हो गया तो? अरे नहीं नहीं आजी साहब, वो सिद्धि कवच उन्हें मिल भी गया। मिल गया? चलो बहुत अच्छा हुआ, अब कोई बाधा नहीं आएगी। चलो प्राची, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। तुम सबसे दूर जा रहे हैं तो ये शायद हमारा आखिरी मिलन होगा। मत रो मन्नू, मत रो। ये हमारी नई दासी है, हमारा चरण धो। नहीं, आप इस मित्र की बात मान लीजिए महाराज। श्यामक जी, आप भी देखिए महाराज, अब कुछ मत कहिए, मैं स्वयं पेशवा महाराज से इस संबंध में बात करूंगा। महाराज, इस शुभ अवसर पर एक विचार मन में आया, सोचा आपसे चर्चा कर ले। आदेश करें। महाराज, आप अपनी मणिकर्णिका का हाथ झांसी नरेश गंगाधर राव के हाथ में दे दीजिए। नहीं, एक ऐसा विचार। क्षमा कीजिएगा श्यामा प्रभु, गंगाधराव आपके मित्र अवश्य है, परंतु हम अपनी छवीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर ईर्ष्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता।